नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी केवल और केवल कक्षा 10वीं पास हैं, केवल और केवल 33% के साथ, और आप सभी का सपना है बिना किसी परीक्षा और इंटरव्यू के केवल और केवल मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्शन पाकर एक अच्छे से डिपार्टमेंट के अंदर एक अच्छी सी पोस्ट पर परमानेंट सरकारी नौकरी करने का, तो आप सभी के लिए इंडियन पोस्ट ऑफिस के द्वारा बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है। दोस्तों, आज की स्पीडो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस यानी कि डाक विभाग की तरफ से आ चुकी 4264 से भी अधिक पदों पर नई सीधी भर्ती 2021 के बारे में, जहां पर भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं, साथ ही साथ ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक भी एक्टिवेट कर दिया गया है। दोस्तों, नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, पीडीएफ आपको आगे दिखाएंगे, साथ ही साथ अप्लाई करना उतना ही आसान है। आप लोग घर बैठे बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट क्यों ना हो, आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल की जॉब आ चुकी है, आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आप लोग 23 अगस्त 2021 से लेकर 22 नौ 2021 यानी कि 22 सितंबर तक कर पाएंगे। इसके अलावा और भी कई सारी जानकारी जो कि आगे आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों की ये वीडियो समझ में आई हो तो आप लोग इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर कर दें, और आगे आने वाली वीडियो की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। चलिए नोटिफिकेशन ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, नोटिफिकेशन टोटल यहां पे आपको 298 यानी कि 298 पेज का देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको सटीक इन्फॉर्मेशन और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है केवल वही प्रोवाइड कराऊंगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप लोग यहां पे देख पाएंगे, आपको यहां पे ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी मिलेंगी, जिसके अंदर आपको टोटल तीन तरह की पोस्टें इंक्लूडेड मिलती हैं। फर्स्ट नंबर आपको बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्टें मिल जाएंगी। इसके बाद सेकंड नंबर आपको यहां पे एबीपीएम यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्टें मिल जाएंगी, और यहां पे थर्ड नंबर फाइनली आपको डाक सेवक की पोस्टें और वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। इस बार वैकेंसी की लिस्ट काफ़ी लंबी है, जहां पे आपको 4264 पदों पर आवेदन करना होगा। इसके अलावा अगर आप लोग वेतन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आपको यहां पे पूरा का पूरा डिटेल में इन्फॉर्मेशन दिया गया है। टोटल यहां पे आपको लेवल एक के अंतर्गत 4 घंटे का काम करना होगा, और लेवल दो के अंतर्गत 5 घंटे का काम देखने को मिलेगा। एबीपीएम पोस्ट के लिए 4 घंटे के काम के लिए 12,000 और 5 घंटे के काम के लिए 14,500 रुपये, और एबीपीएम और डाक सेवक के अंदर आपको 4 घंटे के काम के लिए 10,000 और 5 घंटे के काम के लिए लेवल दो में 12,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके बाद अगर आप लोग नीचे आते हैं, तो आपको एलिजिबिलिटी दिखेगी, जहां पे आपकी उम्र कम से कम 18 और अधिक से अधिक 40 साल की होनी चाहिए। इसके अलावा एससी एसटी के लिए 5 और ओबीसी के लिए 3 सालों का उम्र में छूट भी है। अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो 10 सालों का, और पीडब्ल्यूडी में ओबीसी में 13 और पीडब्ल्यूडी में एससी एसटी के लिए 15 सालों का उम्र में छूट भी रखा गया है। देन इसके बाद अगर आप लोग नीचे आते हैं, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जहां पे आपका केवल और केवल 10th स्टैंडर्ड पास बोला गया है, जो कि नॉर्मली यहां पे पासिंग मार्क्स यानी कि 33% होना चाहिए। इसके बाद यहां पे आपको लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। साथ में एक चीज़ और है, यहां पे देखिए कौन से राज्य की कौन सी लोकल लैंग्वेज है, उसकी लिस्ट यहां पे प्रोवाइड कराई गई है। आप लोग यहां पे अपने राज्य की लिस्ट और इसके बाद यहां पे वहां की लोकल लैंग्वेज की लिस्ट भी चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी आसान है ये चेकआउट करना, नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे, तो आपको बताया गया है कि आपका यहाँ पे नॉलेज ऑफ साइकिलिंग यानी कि साइकिलिंग का नॉलेज होना चाहिए, आपसे साइकिल चलानी आनी चाहिए। अगर आपको साइकिल चलानी आती है, तो आप लोग इस जॉब के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। देन इसके बाद अगर आप लोग नीचे आएंगे, तो आपको और भी कई सारी चीज़ें मिलेंगी, जिनके बारे में आगे हम बात करेंगे। जैसे कि आपको बताया कि बिना किसी रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के केवल और केवल आपका मेरिट लिस्ट के आधार पर यहाँ पे सिलेक्शन होगा, तो और कोई भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे मेरिट लिस्ट वगैरह जनरेट की जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं डाक विभाग की तरफ से आ चुकी नई सीधी भर्ती 2021 के बारे में, जहां पे आपको टोटल 4264 पदों पर आवेदन करने का मौका मिलने वाला है। इसके बाद यहां पे मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं,
और बिना किसी परीक्षा और इंटरव्यू के केवल और केवल मेरिट लिस्ट के आधार पर आप सभी का सिलेक्शन होना है। ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, यानी कि आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हैं और आपकी उम्र कम से कम 18 और अधिक से अधिक 40 साल के बीच में होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन ऑनलाइन कैसे करेंगे इसके बारे में आगे वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक और ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों, आपको आवेदन करने का और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और बाकी सारी डिटेल में जानकारी देखने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आप लोग जहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा, तो क्लिक करके इस पेज पे आ पाएंगे। यहां पे आने के बाद आपको नीचे आना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस पोस्टल सर्कल 4264 GDS पोस्ट ऑनलाइन फॉरम है 2021 के लिए। और यहाँ पे आपको साथ में मिल जाएगा शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देखने का ऑप्शन, जहाँ पे आपको GDS यानी कि ग्रामीण डाक सेवा की वैकेंसी मिलेंगी। और आप लोग 23 अगस्त 2021 से लेकर 22 सितंबर 2021 तक अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके बाद आपकी यहाँ पे एज लिमिट है, जो कि कम से कम 18 और अधिक से अधिक 40 साल की रखी गई है। और यहाँ पे आपको अप्लीकेशन फीस डिटेल भी मिल जाएगी, जहाँ पे जनरल OBC का केवल 100 रुपीज लगेगा। और अगर आप लोग किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग निःशुल्क अप्लाई कर सकते हैं। टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब टुडे की लिस्ट है, क्लिक पे क्लिक करके आप लोग जिस किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होंगे जरूर अप्लाई करिएगा। साथ में ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको पोस्टल सर्कल ही देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं कौन कौन से राज्यों से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, आप लोग भारत के किसी भी राज्य से अप्लाई कर सकते हैं, लिस्ट आपके सामने है। देन इसके बाद यहाँ पे वेतन की बात करें तो 10,000 रुपये से लेकर 14,500 रुपये तक आपको वेतन यहाँ पे पर मंथ का दिया जाएगा लेवल 1 और लेवल 2 के अंतर्गत। साथ में यहाँ पे आपका एजुकेशन है, जो कि केवल और केवल 10th पास यहाँ पे रखा गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अगर आप लोग 10वीं पास हैं तो आपके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। 22 सितंबर 2021 तक आपको अप्लाई जरूर से कर देना है। साथ ही साथ बात करें अगर कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, तो ऑटोमेटिक जनरेटेड मेरिट लिस्ट के द्वारा आप सभी का यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। देन इसके बाद बात करते हैं कि आपको नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है। तो जैसे ही आप लोग डाउनलोड फुल नोटिफिकेशन की बटन पे क्लिक करेंगे, आपका जो नोटिफिकेशन है आपके सामने PDF फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा। टोटल यहाँ पे आपको 298 पेजेस का PDF दिखेगा। अब आपको इसको डाउनलोड करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से और ओपन करके पूरी स्टेप बाय स्टेप जानकारी चेकआउट करनी है। अप्लाई के बारे में बात करते हैं, अप्लाई ऑनलाइन की बटन पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक पेज आएगा जहाँ पे आपको इंडिया पोस्ट का यहाँ पे पेज दिखेगा। यहाँ पे स्टेज फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन का, फीस पेमेंट का, अप्लाई ऑनलाइन का और यहाँ पे रिजल्ट का। आपको रजिस्ट्रेशन की बटन पे क्लिक करना है और सेकेंड नंबर ऑप्शन जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का है इस पे क्लिक करके आपको खुद को रजिस्टर करना होगा। आप लोग सबसे पहले यहाँ पे खुद को रजिस्टर करेंगे, जितनी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांगी गई आपको सारी की सारी प्रोवाइड करानी होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको एक प्रॉपर डिटेलिंग में वीडियो बना के दूँ कैसे आप लोग रजिस्टर करेंगे, फीस पेमेंट कैसे करेंगे, जो एलिजिबल हैं अप्लाई कैसे करेंगे, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के लिए 300 लाइक का टारगेट है। जितना जल्दी आप लोग कंप्लीट करेंगे आपको अप्लाई करने का वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको आपके काम की लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।